अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को सेव पूरी बनाना बताएंगे। बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगी और ऑलरेडी इसके इंग्रेडिएंट्स हमने बना के रखे थे। हमने ये आलू ले लिए थे 7 से 8 और उसमें हमने गरम मसाला थोड़ा सा और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर स्वाद अनुसार नमक डाल के मैश करके रख दिया। पूरी थी ये, हमने 1 से 2 प्याज कट करके रख दी और टोमेटो हमने बारीक चॉप करके रख दिए। यह है मीठी चटनी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। खजूर और इमली की चटनी है और यह है ग्रीन चटनी। ये हम बनाएंगे, शायद हमने नहीं बनाए, हम ये भी मैं आपको बता दूंगी। और हमने इसमें कोथमीर, मिर्ची, लहसुन और पुदीना यूज़ किया है, उसे थोड़ा थिक बना दिया है। हमने सिंगदाना यूज़ किया है छिला हुआ, ये थोड़ा सा चाट मसाला है ऊपर डालने के लिए। हम सबसे पहले प्लेट कर देंगे पूरी को अच्छे से। हम 6 पूरी, जैसे सेव पूरी वाले देते हैं 6 पूरी, हम 6 पूरी रखेंगे और अच्छे से सजा देंगे पूरी को। उसके बाद हम इसमें जो हमने आलू मैश करके रखे थे, ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक डाल के मैश करके रखे थे बॉईल करके, वो हम लगा देंगे पूरा पूरी पे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तीखी चटनी, पुदीना, लहसुन, कोथमीर और हरी मिर्च डाल के हमने जो तीखी चटनी बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। तीखी चटनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, आपको ज़्यादा पसंद हो तो। प्याज हमने चॉप करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे पूरी पूरी पे। टमाटर हम इसमें ऐड कर देंगे पूरी पूरी पे, अगर आपको कम टमाटर लगते हैं तो आप थोड़े ही ऐड करिए। थोड़ा सा चाट मसाला टेस्ट के लिए हम ऐड कर देंगे इस पर। उसके बाद हम मीठी चटनी ऐड कर देंगे, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पर इसका लिंक दे दूँगी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आपको ज़्यादा मीठी चटनी लगती है तो आप ज़्यादा ऐड करिए। सेव जो उसका मेन पार्ट होता है, मेन इंग्रेडिएंट होता है, वो हम डाल देंगे, सेव से पूरा भर देंगे। और सेव के बाद आप इसके ऊपर वो जो हमने सिंग ली थी बिना छिलके वाली, वो ऐड कर लीजिए। बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।